हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं किंग के बारे में, और किंग ने उनके फैंस के लिए एक खतरनाक सा सरप्राइज प्लान करके रखा है, और उस चीज़ की अनाउंसमेंट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में कर दिया है, और सरप्राइज एक तरीके से रिवील ही कर दिया है, पर अभी उसमें कुछ चीज़ें बाकी है, तो वो जानेंगे इस वीडियो में कि वो क्या सरप्राइज है। और इसके अलावा अपन बात करने वाले जीवन नाम के एक रैपर के बारे में, हैशटैग पुलिस वाला रैपर, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें वो रैप कर रहे थे, और उस चीज़ को रफ्तार ने भी शेयर करा है। तो उसके बाद से रफ्तार और जीवन का क्या प्लान हो रहा है वो जानेंगे इस वीडियो में। और आखिरी में बात करने वाले हैं स्टारनिक और RCR के बारे में, और स्टारनिक ने अभी हाल फिलहाल में एक रैप अपलोड करा है जिसका नेम है फेक लवर, और वो गाना जो है वो RCR के लिए है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को देखना एकदम एंड तक। तो अब अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली अपडेट आ रही है लिल गोलू की तरफ से। तो दोस्तों, लिल गोलू का एक न्यू सॉन्ग आउट होने वाला है जो कि आएगा ग्रेपवाइन रिकॉर्ड से, और गाने का नेम है रैप, और इसमें फीचर्ड होंगे डॉक्टर लव जो कि गलत गैंग के ही मेंबर है, और ये गाना आप लोग को देखने को मिलेगा 8 मार्च को, यानी कि कल। तो कल इस गाने का रिव्यू देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसका म्यूजिक प्रोड्यूस करा है आर्टिस्ट इमेंस ने, जो कि काफी तगड़े प्रोड्यूसर है। तो अगली अपडेट आ रही है शेट्टी शाह की तरफ से। तो दोस्तों, शेट्टी शाह ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली जिसमें वो वर्क कर रहे अपने डॉ के ऊपर, और शायद कोई सा गाना बना रहा है, और नीचे लिखा हुआ है गेट रेडी फॉर अ एल्बम। तो इससे पता चलता है कि शेट्टी शाह की बहुत जल्दी एक एल्बम देखने को मिलने वाली है। अब वो कब आएगी ये नहीं पता है, तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, जब भी आएगी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अगली अपडेट आ रही है किंग की तरफ से। तो दोस्तों, किंग ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली, तो मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ कि किंग क्या कहना चाहते हैं स्टोरी में। तो दोस्तों, किंग जो है वो एक क्लब खोल रहे हैं हैदराबाद में, और ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जो कि किंग अपने इंडिया में लेकर आ रहे हैं, और मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्लब के बारे में, आप लोग को पता ही होगा, पार्टी फ्रीक्स के लिए है, और किंग के जितने भी फैंस हैं उनके लिए खास कर है ये। तो अगर आप लोग हैदराबाद से हो और किंग के फ़ैन हो तो जल्दी इसकी ओपनिंग आप लोग को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा किंग इसका नाम जल्दी अनाउंस करेंगे, तो मैं आप लोग को बता दूंगा जब भी इसके बारे में कुछ बताते किंग। तो अगली अपडेट आ रही है श्लोका की तरफ से। तो दोस्तों, श्लोका ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली, और स्टोरी में दिखे यावर, और टैग करा हुआ है यावर को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि श्लोका के नेक्स्ट ट्रैक का म्यूज़िक यावर प्रोड्यूस करने वाला है, तो शायद आप लोगों को इन दोनों का जल्दी गाना देखने को मिले, और शायद हो सकता है कि यावर उसमें रैप भी करें। तो अगली अपडेट आ रही है जीवन और रफ्तार की तरफ से। तो दोस्तों, जीवन जो है हैशटैग पुलिस वाला रैपर, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक रैप अपलोड करा जो कि काफ़ी सही रैप था, और काफ़ी तगड़े लिरिक्स थे उस रैप के, और उसमें कुछ पॉपुलर रैपर्स को टैग भी करा गया था जैसे कि बोहेमिया, रफ्तार, डिवाइन और एमिवे। तो रफ्तार ने वो गाना सुना और साथ में शेयर भी करा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, और कुछ कमेंट भी करा, आप लोग देख सकते हो, लेट्स कोलैबोरेट माय ब्रदर। तो ऐसा हो सकता है कि जीवन और रफ्तार का बहुत जल्दी एक कोलैबोरेशन देखने को मिले। तो आप लोग का इस चीज़ पर क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और जीवन का रैप मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद से आप लोग नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग को ये रैप कैसा लगा है। मैं हो जाता पागल जब सुनता मैं म्यूजिक, फिर कोरे से कागज पे लफ्जों को दूर लिख लगाता मैं ताकत, नो आई हैव टू डू इट, डू हिट गाने इंस्टा पे जाता मैं ब्लू टिक पे करता मैं बैक किसी बात पे, दिन रात हसल से लाल मेरी आंखें, लोग यहां सपने देखते फिर नींद में, पर मेरे सपने तो मेरी नींद ही उड़ा गए, इन्हें लगे कि मुझे लगी बीमारी, मैं लिखारी पर इन्हें मेरी लिखाई समझ नहीं आ रही, मत मारी मेरे कंधों पे घर की जिम्मेदारी, पर हिम्मत ना हारी फिर भी मैंने रैप रखा जारी। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है स्टारनिक और RCR की तरफ से। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ कि स्टारनिक कौन है, और RCR को तो आप लोग जानते ही हो। तो स्टारनिक जो है वो MTV हसल की कंटेस्टेंट रह चुकी है, और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक अपना गाना आउट करा है, तो वो जो गाना है वो खास करके RCR के लिए है, और उस गाने के वीडियो में कुछ ऐसी पिक्स है जो कि RCR और स्टारनिक के साथ में है, जो कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग की स्क्रीन पर है। तो पिक्चर्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे MTV हसल के टाइम पे, और अभी इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, और ब्रेकअप का रीज़न किसी को नहीं मालूम है, पर ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी पर्सनल है। पर अगर स्टारनिक ऐसा कुछ गाना निकाल रही है फेक लवर के नाम से, और साथ में सारी पिक्चर्स भी दिखा रही है RCR और उनकी, तो शायद ये मैटर अब पर्सनल नहीं रहा है, और अभी तक इस चीज़ के ऊपर RCR का कोई रिएक्शन नहीं आया है। और मुझे सुनने में ऐसा आया है कि RCR का भी जो ट्रैक आया था जिसका नेम था फेक लव, उसी का रिप्लाई दिया है स्टारनिक ने अपने सॉन्ग फेक लवर से, और इस गाने का डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास इस गाने और इन फोटोज़ के अलावा कुछ भी नहीं है कि मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ बोलूं, तो अपन इस चीज़ पर कुछ नहीं बोलेंगे जब तक RCR कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो अगर RCR कुछ इस चीज़ के ऊपर कहते हैं तो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा, और आप लोग अगर चाहो तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप लोग का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। और हाँ, इस चीज़ के ऊपर काल ने भी रिएक्ट करा है और कुछ ऐसा लिखा है, जब लोग बोलते हैं अबाउट RCR तो मैं इसलिए हंस देता हूँ, बिकॉज आई नो ही इज़ नॉट द सेम ही शोज़ टू द पब्लिक, और टैग करा है RCR को, और आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है।
तो यहाँ पे काल कहना चाह रहे हैं कि RCR फेक है। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है, तो पहला गाना जो है उसका नेम है 100 बाय इनसेन। तो अगर आप लोग ये गाना सुनना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मैंने ये गाना सुन लिया है, मुझे काफ़ी पसंद आया है। और अभी तक मैंने जितने भी इनसेन के गाने सुने हैं सबसे सही गाना मुझे यही वाला लगा है। और अब मुझे ठीक लग रहा है कि अब डिस्ट्रैक्ट से हटके कुछ और चीज़ें ट्राई कर रहे हैं इनसेन। और आखिरी गाना जो आया था उनका क्या बोला तू, वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा था, पर ये काफ़ी अच्छा ट्रैक है। तो अगला गाना जो है उसका नेम है इमॉर्टल बाय मुफासा। तो अगर आप लोग ये गाना सुनना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने सुना, मुझे काफ़ी पसंद आया है, लिरिक्स काफ़ी तगड़े लिखे हैं। और ये एक रिप्लाई है छत्तीसगढ़ के रैपर्स को, जो कि क्लेम कर रहे थे कि वो हिंदी रैप चला रहे छत्तीसगढ़ रैप कम्युनिटी में। तो काफ़ी सही रिप्लाई दिया है भाई ने। और इसके अलावा 22 सेकंड्स में भाई ने 103 वर्ड्स स्पिट करे, जो कि काफ़ी सही है। तो अगला गाना जो है उसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि बाय नैज, प्रोड्यूस बाय ऑडियो क्रैकर। और ये है ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, तो जाके सुन सकते हो। और इस भाई के गाने भी बहुत ही तगड़े होते हैं, लिरिक्स बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, तो आप इसको भी जाके सुनो। इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।